दुनिया कोरोना से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस भारत में ही आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 3 लाख के पार आंकड़ा देखने को मिल रहा है नए कोरोना संक्रमित मरीजों का। इन आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पूरा भारतवर्ष कोरोना के चपेट में आ गया है। अन्य देशों की अगर बात करें तो अन्य देशों में स्थिति संभलती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों की, किस तरह का देश में आंकड़े हैं। देश के आंकड़े अगर हम देखें तो 3,49,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। 2,600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये पिछले ही दिनों की तरह आंकड़ा है, लगातार पिछले दिनों यही आंकड़े आ रहे हैं 3-4 दिन से। तो इन आंकड़ों से लोग अब डरने लगे हैं। हम बात करेंगे राज्यवार कि किन राज्य में सबसे ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 67,000 से 68,000 केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, यानी 24 घंटे के जो आंकड़े हैं ये बताते हैं। हम बात करेंगे मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज़्यादा वहीं से है। 600 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं लगभग प्रतिदिन 24 घंटे की अगर आंकड़े की बात कर लें। हम अगर अन्य राज्यों की बात करें, दिल्ली में भी वही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 24,000 के आंकड़े जो है वो नए केसेस मिल रहे हैं पिछले 24 घंटे में। वहाँ भी मौतों का जो सिलसिला है वो 300 से 400 के बीच नए जो डेली मौतें हैं वो हो रही है लोगों के। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी यही हालात हैं। 38,000 लगभग केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और साथ में उत्तर प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो भी वही 200 से 300 के करीब है। मौतों का आंकड़ा थोड़ा यहाँ कम है दिल्ली और मुंबई की अपेक्षा, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। यही आंकड़े हैं कर्नाटका, केरल और जो अन्य राज्य हैं उनके भी। लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ ही रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण के फैलाव पर या कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाया जाए। केंद्र सरकार कोशिश में जुटी हुई है, लोगों को बार बार यही रिमाइंड करा रही है कि किस तरह आप कोरोना से बच पाएँ। नई गाइडलाइंस आ रहे हैं और चूँकि ये पावर अब राज्यों को दे दिया गया है तो राज्य अपने तरीके से गाइडलाइंस स्थापित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है किस तरह से लॉकडाउन पहले से ही है, सभी राज्यों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। देखते हैं कोरोना पर कैसे हम लोग काबू पा सकते हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। देखते रहिए देश दी न्यूज़।